हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो है 2024 सीपीयू एग्ज़ाम के बारे में जो नया अपडेट आया है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर एसएससी सीपीयू 2024 की टोटल वैकेंसीज जो हैं कितनी हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर रिजल्ट कब तक आएगा आपका और कट ऑफ कितना रह सकता है इस बार के एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम में। और आरटीआई के द्वारा पता चला है कि कितने परसेंट जो है कैंडिडेट्स जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और कितने जो है फॉर्म फिलअप हुए हैं। इन सारी डिटेल को हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो में तक बने रहें और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आरटीआई से पता चला है कि जो अटेंडेंस इस बार का रहा है वो 45% के आसपास रहा है। अभी सारी डिटेल हम लोग इसी की वीडियो में देखने वाले हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या रिपोर्ट जो है आपका आरटीआई का, वो देखेंगे यहाँ पे कितने कैंडिडेट जो है अपियर हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल अटेंडेंस इन सब इंस्पेक्टर 2024 सीबीई कितना था, 330,640, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है वो कब आया, 1/8/2024 यानी 1 अगस्त को ही ये जो है आरटीआई की रिपोर्ट आई है। और इसमें जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं इस एग्ज़ाम में 330,640 हुए हैं, ठीक है। अब ये अपीयर हुए हैं तो फॉर्म कितना फिलअप हुआ है ये जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो ये टोटल जो 330,640 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, फॉर्म फिलअप किया गया था कितने कैंडिडेट्स के द्वारा, तो 7,34,159 कैंडिडेट्स ने जो है फॉर्म फिलअप किया था। इसमें से इतने जो है अपीयर हुए थे, अगर इसका आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये लगभग आएगा 45% के आसपास, ठीक है। यहीं पे अगर हम 2023 के, ठीक है, 2023 के एग्ज़ाम की बात करेंगे तो उसमें जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो 8,27,602 फॉर्म फिलअप हुए थे और जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे वो 3,35,432 कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम देने गए थे। तो ये टोटल लगभग 40% अटेंडेंस थी इस बार 2023 में, 40% अटेंडेंस थी और 2024 में जो है 45% अटेंडेंस रही है। और बात करेंगे अगर अटेंडेंस इतनी रही है तो वैकेंसीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 2024 सीपीयू के एग्ज़ाम में जो टोटल वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं, 4,187। यहीं पर हम 2023 की वैकेंसीज़ की बात करें, 2023 में कितनी वैकेंसीज थी, तो ये 1,876 वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2024 में 2023 की तुलना में डबल से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं, तो इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है एज़ कम्पेयर टू 2023 के एग्ज़ाम। तो आपका जो इस साल का कट ऑफ रहने वाला है वो 2023 की तुलना में कम ही रहने वाला है, तो हम इसी वीडियो में इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखेंगे। जब यहाँ पे 45% अटेंडेंस थी 2024 में, 2023 में 40% अटेंडेंस थी, तो हम बात करेंगे कट ऑफ की, 2024 में कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो जनरल कैटेगरी का अगर हम बात करेंगे, जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल की बात करेंगे, तो अगर आपका स्कोर आ रहा है 119 से 124 मेल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 119 से 124 कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी का। यहीं पे फीमेल की बात करें तो 127 से 133 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। यहीं पे ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में मेल कैंडिडेट्स का जो स्कोर रहने वाला है 115 से 121 जो है मेल कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ रहने वाला है ये इस बार रहने वाला, ठीक है। यहीं पे फीमेल की बात करें तो ये आपका रहने वाला है 123 से 127। फिर हम बात करेंगे एससी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है ये आपका रहने वाला है 90 से 96 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। और फीमेल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो एससी का 115 से 121 कट ऑफ रहने वाला है इस बार। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो मेल और फीमेल की यहाँ पे हम लोग कट ऑफ देखें तो 89
से 94 आपका सेफ स्कोर रहने वाला है एसटी कैटेगरी वालों के लिए मेल में। और फीमेल की बात करें तो 112 से 118 आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। यहीं पे एक सर्विस मैन का भी हम लोग यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं, तो मेल कैंडिडेट में 60 से 67 कट ऑफ रहने वाला है और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 100 से 105। ठीक है, एक लास्ट आपका बच गया यहाँ पे EWS कैटेगरी की अगर हम बात करें तो EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है इस बार EWS का मेल कैटेगरी का हम देखेंगे तो 113 से 119 कट ऑफ रहने वाला है। यहीं पे अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल का जो कट ऑफ रहने वाला है 119 से 125, बिल्कुल सेफ कट ऑफ आपका रहने वाला है। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल फिजिकल के लिए कॉल आएगा। ठीक है, अगर आपके ये रॉ मार्क्स इतने आ रहे हैं तो ठीक है। तो वैकेंसी टोटल इस बार कितनी है, वैकेंसीज 4187 है। ठीक है, 4187 इस साल वैकेंसीज हैं जो कि ठीक ठाक वैकेंसी हैं। अगर आप लोगों के मार्क्स इतने आ रहे हैं फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।